मामला नरसिंहगढ़ का, जहां पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड केंद्र पर आधार बनाने के नाम पर खुलेआम रिश्वत की मांग की जा रही है। जब आधार कार्ड बनवाने के लिए केंद्र पर लोग पहुंचते हैं तो पोस्ट ऑफिस आधार सेंटर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ में आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों से 300 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। अगर 300 रुपये ग्राहक ने दिए तो आधार कार्ड आपका 3 दिन में अपडेट हो जाएगा, बल्कि आधार कार्ड अपडेट करने के 50 रुपये लगते हैं। और अगर 300 रुपये देने से मना कर दिया तो ग्राहक को आधार कार्ड बना रहे ऑपरेटर कुछ दिनों बाद आने का कहकर एक तरफ कर देते हैं या फिर साइट नहीं चल रही है ऐसा बहाना बना देते हैं। जब आधार केंद्र पर आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाने पहुंचे तो 300 रुपये की मांग की गई और कहा गया अभी साइट नहीं चल रही है, अगर थोड़े बहुत रुपये ज़्यादा दे दोगे तो हमें अभी अपडेट कर दूंगा। जब मैंने कहा तो ऑपरेटर ने मुझे वहां से रवाना कर दिया। नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मेरे पास आधार कार्ड अपडेट करवाने वाला था। पोस्टमैन से मैंने बोला मैंने मेरा आधार कार्ड अपडेट कर दो, फोटो अपडेट करवाना था, लेकिन पोस्टमैन वो कंप्यूटर ऑपरेटर मेरे से बोलता है कि तुम्हारा अभी समय नहीं है, तुम्हारा 3 महीने बाद होएगा अगर तुम अपडेट करवाओगे तो फोटो, और सब नए तरीके से अपडेट होगा। मैंने कि सर मुझे काम में चाहिए, मैंने कि मेरा अपडेट कर दो कि थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। मैंने कि सर कितने पैसे लगेंगे? 500 रुपये के धमसे लगेंगे। मैंने कि सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है कि 300 रुपये दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, 2-3 दिन में अपडेट हो जाएगा। मैंने कि सर मेरे पास 300 रुपये भी नहीं है, मेरा आधार कार्ड भेज के मुझे भगा दिया। मेरे को शासन तंत्र की है 12,500 रुपये, उसमें मेरा जीवन यापन हो जाता है। कितनी बजे खुलने का टाइम है? बंद करने सुबह? वैसे तो टाइमिंग तो है सर इसका 9 बजे से हम स्टार्ट कर देते हैं, जब तक हम सेवा नहीं देते इसलिए हम अधिक से हमें कस्टमर परेशान नहीं हो जो आ जाता है सर। अरे आपने कस्टमर को तो परेशान ही करा है, आपने स्पष्ट मना कर दिया उससे, जब 3 महीने में होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।